आज हम बनाएंगे कुछ खास तरीके की सब्जी जिसको आपने ना कभी खाई होगी ना ही इस तरीके से बनाई होगी। रोज़ रोज़ एक ही तरीके की सब्जी खाकर बोर हो चुके हो तो आप एक बार इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे सब्जी ही नहीं इसे स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मम्मी किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए सबसे पहले हमने 3 शिमला मिर्ची ली है। हम शिमला मिर्ची के ऊपर और नीचे वाले भाग को काट लेंगे और जो इसका बीज है उसको निकाल लेंगे। जो इसका बीच में व्हाइट पार्ट है इसको निकाल लेंगे और इसको ऐसे लंबाई में काट लेंगे। एक स्लाइस के 3 टुकड़े कर लेंगे, इस तरीके से क्यूब शेप में काट लेंगे। बाकी के शिमला मिर्ची भी इसी तरह काट लेंगे। हमने यहाँ पर 3 दाने प्याज के लिए हैं, इनकी भी हम कटिंग कर लेंगे। पहले हम प्याज को 20 से 2 हिस्सों में काट लेंगे। इसको इस तरीके से 20 से काट कर इसके 4 हिस्से हो जाएंगे, जिससे ये क्यूब शेप में इसकी कटिंग हो जाएगी। अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे और प्याज को भी हम इसी तरह काट लेंगे। अब हम यहाँ पर 2 दाने टमाटर लिए हैं, इनको भी हम क्यूब शेप में काट लेंगे। टमाटर को भी पहले 2 टुकड़ों में काट लेंगे, उसके बाद इसको 4 टुकड़ों में काट लेंगे। इसके बीच में जो बीज हैं उसको हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने टमाटर भी काट लिए हैं। हमने सभी सब्जियां काट ली हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 3 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल डाल देंगे। तेल को हम गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें हम 10 से 12 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां डाल देंगे। इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इसको चला लेंगे। अब हमने जो क्यूब शेप में प्याज काटा था उसको इसमें डाल देंगे। पलटते चलाते हुए इसको 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखना है। 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम अब इसमें क्यूब शेप में कटा हुआ शिमला मिर्च डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे। इसमें हम सभी के साथ इसको भी फ्राई कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। सब्जियों का जो क्रंचनेस होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें 2 टमाटर क्यूब शेप में कटे हुए डाल देंगे। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब हमने यहाँ पर 2 भुट्टे उबाल कर उनके दाने निकाल लिए हैं। अब हम इनको इसमें डाल देंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भुट्टे ले सकते हैं। इनको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसमें कुछ सॉसेज डालेंगे। 2 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे, 1 चम्मच विनीगर डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच काली मिर्च डाल देंगे और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे और यहाँ पर हमने टमाटर को ग्राइंड कर लिया था, इसकी प्यूरी डाल देंगे। आप इसकी जगह टमाटर केचप भी डाल सकते हैं। अगर टमाटर केचप नहीं है तो टमाटर को ग्राइंड करके इसकी प्यूरी भी डाल सकते हैं। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। लगभग इसे 2 मिनट इस तरह हमने मिक्स किया है। अब हम यहाँ पर एक कटोरी लेंगे, इसमें 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, इसका एक घोल बना लेंगे। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। थोड़ा पानी इसमें मैंने और डाल दिया है। अब इस घोल को हम इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा कि इसमें एक अच्छी सी बेंडिंग आ जाएगी। गैस की फ्लेम को हमने इस समय लो रखना है। इसको धीरे धीरे करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया बेंडिंग हो गई है। इसको चलाते हुए 2 से 2.5 मिनट पकाना है। हमारी ये स्वादिष्ट रेसिपी बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसे आप सब्जी के तौर पर भी खा सकते हैं, रोटी के साथ या पराठे के साथ, और या स्नैक्स के तौर पर भी इसे खा सकते हैं।